दोस्तों नमस्कार, मैं अमित शर्मा आपका वेलकम करता है एस्ट्रो क्रिकेट क्रिप्टो में। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यू नया जो कॉइन आया है, एक तो यूबिट कॉइन ऑलरेडी चल रहा है, उसका सेफ वेल में कैसे ऐड करेंगे, आरपीसी एड्रेस और कॉइन स्टेटस कैसे ऐड करेंगे, और दूसरा जो नया कॉइन लॉन्च हुआ है यूएससी, जो कि एक तरह की गैस फीस है, आप जस्ट ऐड कर लो सेकंड प्रोसेस के लिए, फिर अलग से वीडियो आएगा। तो ये दोनों काम करने का, दोनों काम कैसे होगा उसका वीडियो। कई लोगों का यूबिट कॉइन ऑलरेडी ऐड है तो वो भी सीख लें, वो ये सीख लेंगे यूएससी कॉइन कैसे ऐड किया जाता है, और कुछ लोगों का दोनों ही ऐड नहीं है, इसलिए दोनों ही सीख सकते हैं। कोशिश करूँगा बहुत साधारण शब्दों में आपको बताएं, फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो, हो सकता है 2 बार 3 बार देखने के बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप जूम मीटिंग करेंगे अपन आज या कल में, उसमें अपन बैठ सकते हैं। सबसे पहले अपन जाएंगे व्हाट्सएप में, आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप में भेजा गया है, तो आप सबसे पहले अपन कर लेते हैं यूबिट स्कैन, जो यूबिट कॉइन है अपन सबसे पहले उसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप में आप देखोगे 3 नंबर, जो सबसे नीचे में 3 नंबर है उसको कॉपी करके रखेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके रख लिया हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं आरपीसी एड्रेस, इस आरपीसी एड्रेस को कॉपी करके रख लिए हैं। अब जाएंगे किसमें, सेफ पेल में, सेफ पेल खोलता हूँ। सेफ पेल खोलने के बाद सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसमें अपने को ऐड करना है। तो इसमें ऐड करने के बाद ऊपर में देखिए आपको एक चक्री दिखाई दे रहा है, घंटी के बटन के पहले एक चक्री टाइप का दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, आपको उसको क्लिक कर देना है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, कस्टम नेटवर्क, तो अपने को कस्टम नेटवर्क में जाना है। कस्टम नेटवर्क के बाद इसमें ऑलरेडी एडेड है, वैसे ये इसमें कॉइन ऑलरेडी एडेड है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक दूसरा वैलेट है जिसमें ऐड नहीं है, इसमें ये ऑलरेडी एडेड है, तो मैं एडेड है तो इस बार भी अगर एडेड होता है तो मैं उसको डिलीट मारना पड़ेगा ताकि आप सीख सको। चलिए कोई बात नहीं, एडिट है तो फिर भी इसको करते हैं। देखिए मैं फिर से शुरू कर रहे हैं। कस्टम नेटवर्क में जाओगे, कस्टम नेटवर्क के बाद ऐड नेटवर्क करोगे, ऐड नेटवर्क के बाद ऐड मैन्युअली करोगे, ऐड मैन्युअली के बाद जो ऊपर नेटवर्क नेम है, तो अपन यूबिट स्कैन ब्लॉकचेन ऐड कर रहे हैं, तो आप यूबिट UBIT बिना स्पेस दिए हुए कैपिटल में यूबिट स्कैन टाइप कर दोगे। उसके बाद अपन आरपीसी कॉपी किए थे, आरपीसी को सेकेंड ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद चेन आईडी को क्लिक करोगे तो चेन आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको वैसे याद भी रख लेना है 7808 41 चेन आईडी है, लेकिन आरपीसी एड्रेस करने के बाद चेन आईडी ऑटो ले लेगा। अब आपको ऑप्शनल है ये सिंबल डालना है, लेकिन आपको यूबिट का सिंबल डाल देना है, यूबिट टाइप कर लेना है UBIT। अब यहाँ पे ब्लॉक एक्सप्लोरर को कॉपी करना है, तो अपन फिर जाएंगे उसमें व्हाट्सएप में जाएंगे, और इस बार जो फोर्थ नंबर है एक्सप्लोरर उसको कॉपी कर लेना है। उसको कॉपी करने के बाद अपन उसको ऑप्शन, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है पीछे थोड़ा सा मशीन की, तो कॉपरेट कीजिएगा। बस ये कर लिया, अपन ऐड हो गया, ये बोला दिस नेटवर्क इज ऑलरेडी एडेड, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस यही है। ओके, नेटवर्क नेम यूबिट स्कैन, ये आपको व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, नेटवर्क नेम में यूबिट स्कैन डालना है, आरपीसी कॉपी कर लेना है, मेन नेट आरपीसी यूबिट स्कैन डॉट कॉम आ जाएगा, चेन आईडी 7808 41 ऑटो ले लेगा, वैसे ये सिंबल में यूबिट डालना है, फिर ब्लॉक एक्सप्लोरर को कॉपी करना है और ऐड को क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगा। ओके, ऐड होने के बाद आपको क्या काम है, ऐड होने के बाद देखिए अभी स्क्रीन में आपको क्वाइन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ऐड हो गया है लेकिन क्वाइन सामने शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको मैनेज क्वाइन में क्लिक करना है। मैनेज क्वाइन में क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे चूंकि यू है, यू नीचे से शुरू होगा, तो आप देखो इसमें यू कहाँ है। उसमें यू दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें यू दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार सर्च में करते हैं यूबिट। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, चलो उसको सॉरी यहाँ कॉइन में ऐड करना है, 1 सेकंड।
चलो मैं पहले यूएसए कर लेते हैं, फिर एक साथ इसको सर्च करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उसको डिलीट मार के फिर से करेंगे। ओके अब अपन फिर घंटी का बटन, चक्री का बटन फिर क्लिक करेंगे। अब अपन यूएससी ऐड करेंगे, यूएससी ऐड करेंगे, सेम कस्टम नेटवर्क है, कस्टम नेटवर्क को ऐड ऐड नेटवर्क करेंगे, ऐड नेटवर्क का ऐड मैनुअली करेंगे। अब वापस से व्हाट्सएप में जाएंगे, अपन यहाँ पर आरपीसी को कॉपी कर लेंगे, कौन सा, यूएससी स्कैन के लिए। अभी अपन यूबिट किए थे, अब यूएससी स्कैन के लिए आरपीसी, पहले ये नेटवर्क का नेम यहाँ यूएससी टाइप कर देंगे, यहाँ यूएससी टाइप कर देंगे और आरपीसी को पेस्ट कर देंगे। चेन आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, इसका 9002 है याद रखिएगा, 9002 समथिंग है। अब अपन यूएससी ऐड करेंगे, अपन सेव फाइल में जाएंगे सबसे पहले। सेव फाइल में जाने के बाद एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं सेव फाइल, बीच में कॉल आ गया था। सेव फाइल में जाने के बाद अपन ऐड करेंगे, चक्री का बटन आपको दिखाई दे रहा है, घंटी के पहले चक्री का बटन जाएंगे, उसमें कस्टम नेटवर्क क्लिक करेंगे, ऐड नेटवर्क क्लिक करेंगे, ऐड मैनुअली क्लिक करेंगे और नेटवर्क नेम में यूएससी टाइप करेंगे, यूएससी, इसका शॉर्ट फॉर्म यूबिट स्मार्ट चेन। अब आरपीसी अपन कॉपी किए हुए हैं, आरपीसी को कॉपी, आरपीसी को पेस्ट कर दिए। अब चेन आईडी को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, देखिए 9000002 ये चेन आईडी हो गया। अब फिर सिंबल नेम ऑप्शनल ऑप्शनल पूछ रहा है, लेकिन अपन यूएससी टाइप कर देंगे। अब फिर एक से बच रहा है ब्लॉक एक्सप्लोरर, फिर व्हाट्सएप में जा रहे हैं, सबसे ऊपर एक्सप्लोरर है उसको कॉपी करके अपन इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, अब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों दोनों ब्लॉकचेन अपने इसमें नेटवर्क में ऐड हो गया है, एक का चेन आईडी, ये यूबिट स्कैन के नाम से, यूएससी के स्कैन के नाम से, तो ये काम अपना सक्सेसफुल हो गया। अब अपने को खाली देखिए यूएससी स्कैन तो सामने शो कर दे रहा है, लेकिन यूबिट स्कैन अभी तक स्क्रीन के सामने नहीं आया है, तो अपन ऐसा करते हैं यूबिट की ब्लॉकचेन को एक बार देखते हैं, डिलीट मार के देखते हैं, डिलीट मार देते हैं बार इसको, ठीक है ना, ताकि फिर से ऐड करते हैं। ओके डिलीट मार के फिर से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर चक्री में जाते हैं, फिर कस्टम नेटवर्क में जाते हैं, फिर ऐड नेटवर्क करते हैं, ऐड मैनुअली करते हैं। अब चूंकि ये यूबिट स्कैन कर रहे हैं, इसको यूबिट स्कैन बिना स्पेस दिए हुए टाइप कर लेते हैं। अब वापस व्हाट्सएप में जाकर उसको याद रखना है, अपन यूबिट ऐड कर रहे हैं तो मेन नेट आरपीसी को कॉपी कर लेंगे, अपना यूएससी ऐड हो गया है। अब अपन यूबिट स्कैन को पेस्ट, आरपीसी को पेस्ट कर रहे हैं, चेन आईडी इसका 780841 है, करेंसी सिंबल में यूबिट टाइप करना है। अब सिर्फ बच गया ब्लॉक एक्सप्लोरर, फिर जाएंगे कॉपी कर रहे हैं, सॉरी ब्लॉक एक्सप्लोरर कॉपी हो गया है, पेस्ट कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ये ब्लॉकचेन भी ऐड हो गया। आप देखते हैं इस, देखिए स्क्रीन में दोनों आ गया है। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा इस ढंग से। कल मैंने वीडियो डाला था, कल या परसों, कि अपन आप यहां से कैसे डेप्स में जाकर यूबिट अपना यूबिट कैसे खोल सकते हैं। आज अपन ये कर लिए कि दोनों कॉइन को अपन ऐड कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो अपन करेंगे कि यूएससी कॉइन को कैसे परचेज करके उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे भी अभी लेना बाकी है, तो जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका अपडेट करता हूँ मैं। थैंक यू।